नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर उदित राज, फॉर्मर एमपी, और लगातार आप नेशनल दस्तक पर इनको हर मामले पर प्रतिक्रिया देते हैं, खासकर जब मामला आरक्षण का हो, संविधान का हो, तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। सर, क्या लग रहा है CA NRC? लोग कह रहे हैं संविधान अंतिम सांसें गिन रहा है। ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, संविधान को तोड़ना तो शुरू कर दिया है। संविधान की धारा जो 14 है उसके अंदर यह लिखा हुआ है कि जन्म के आधार पर, जाति और धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन अब धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाने वाला कानून बन गया है कैब, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, और कि मुस्लिम नहीं आ सकते हैं, उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, बाकी को दिया जाएगा। तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान था उसमें, उसको तो पहले से ही ये निष्प्रभावशाली करना शुरू किया है 2014 से ही, लेकिन अब तो संसद से कानून पास करके भी कर रहे हैं। तो खासतौर से जो संविधान में आस्था रखते हैं और जो डॉक्टर अंबेडकर में आस्था रखते हैं, उनको तो तुरंत ही घर से निकल जाना चाहिए, और हर तरफ इसका विरोध हो रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है। कल 18 दिसंबर है, जंतर मंतर पर हम लोग भी 11:30-12 बजे प्रदर्शन करेंगे कि NRC जो पूरे देश के लिए लागू करी जाने वाली है, उससे क्या है कि पूरे देश में SC ST OBC सर्वाधिक प्रभावित होंगे। 1971 के बाद जितने लोगों का जन्म हुआ है तो उनकी नागरिकता की परीक्षा करी जाएगी, टेस्ट किया जाएगा, और बहुतों के पास में जब कागजात नहीं होगा तो क्या होगा, पूरे देश के अंदर एकदम अराजकता पैदा हो जाएगी। तो इसका विरोध जरूरी है। और दूसरी बात है कि सरकार की विफलता पहले से ही पता थी, लेकिन आज RBI गवर्नर ने भी कह दिया कि फरवरी 2019 में ही पता था उनको कि आर्थिक मंदी आ चुकी है, लेकिन बताया नहीं था, चुनाव निकालना चाहते थे और उन्हीं मुद्दों से भटकाना चाह रहे हैं। आज सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार अपने ही लोगों को मार रही है, प्रियंका गांधी रोड पर बैठ जाती है जंतर जाके इंडिया गेट पर, तो क्या कांग्रेस अब पूरी तरह से तैयार है? सर, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं, पूरी तरह से तैयार है अब सर को कराने के लिए? हाँ, कांग्रेस सड़क पर आ गई है और कोशिश करूंगा, कहूंगा भी पार्टी से और कि लगातार निरंतर बने रहना चाहिए था। एक गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ जाता था तो कैसे भारतीय जनता पार्टी वाले गैस का सिलेंडर लेकर के जंतर मंतर पर पहुंच जाते थे और 5 साल तक सरकार को चलने नहीं देते थे छोटे मोटे मुद्दे। अब तो हर जगह ही मुद्दा है, बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है और ज़्यादातर उद्योग बंद हो चुके हैं, बलात्कार तो पूरे देश में हो ही रहा है, और कानून व्यवस्था की सिचुएशन तो खराब है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो ही रहा है, आरक्षण का खात्मा किया जा रहा है, अब NRC और कैब और आगे और मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। तो अब अगर विपक्ष सड़कों पर नहीं उतरता, आंदोलन नहीं करता, तो ये विपक्ष की बहुत बड़ी चूक है। मैं तो समझता हूँ कि विपक्ष ने उस समय भी चूक किया था जब 2014 से 19 के बीच के दौरान, और जो सशक्त विपक्ष होना चाहिए था वो नदारद था, जिसका फायदा उनको 2019 के चुनाव में मिला, लेकिन अब तो बिल्कुल शिथिलता बरती ही नहीं जा सकती। देश को बचाना है अगर छात्र जो है वो अपोजिशन के बने हुए हैं, देश भर में TIS हो, JNU हो, पॉलिटिकल लीडरशिप कैसे देख रहे होगी? जब मैं तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्रों को सलाम करता हूं, और कल भी मैंने देखा इंडिया गेट पर जब प्रियंका जी धरने पर बैठे थे तो हम लोग भी थे, और जैसे हम लोगों का धरना समाप्त हो रहा था JNU के छात्र वहां आते जा रहे थे, धीरे धीरे 1000 छात्र आ गए और प्रियंबल पढ़ा वहां पर। ऐसा तो जो पेशेवर राजनीतिक लोग हैं वो भी नहीं कर सकते हैं, और इतना डिटर्मिनेशन, इतना सेक्रीफाइस
और देश के लिए जो जैनों के लिए कह रहे हैं, तो आपने सच सवाल किया है कि यूथ विपक्ष बना हुआ है, जबकि लेकिन उनको सर जिस तरह से मारा पीटा जा रहा है, बहुत बुरी उनका तरह से कैरियर जामिया के छात्रों को जिस तरह से मारा पीटा हुआ, अगर उस दिन पुलिस हेडक्वार्टर पर जोरदार प्रदर्शन न हुआ होता तो उनके ऊपर तो केस बना दिया जाता और उनका और हानि होता। अभी तो खैर उनको बहुत बुरी तरह से पीटा, और जामिया के जो वीसी है नजमा अख्तर, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ, कम से कम स्टैंड तो लिया उन्होंने कि हालांकि बिना परमिशन के पुलिस को घुसना चाहिए नहीं, किस तरह से पुलिस दरवाजा जामिया यूनिवर्सिटी की तोड़ करके घुस रही है और मार रही है, लाइब्रेरी में घुस के मार रही है और मस्जिद में घुस के मार रही है। तो सरकार तो चाह रही थी इसका एक कम्युनल एंगल देना, लेकिन हो नहीं पा रहा क्योंकि जेएनयू भी है, आईटीज है और दिल्ली यूनिवर्सिटी है और पूर्णिया में भी कल बहुत हुआ है और बंगलोर में, पूरे देश में हो रहा है, वरना इनके तो और मजे हो जाते हैं कि हमने तो बड़ा अच्छा किया है। हिंदू मुस्लिम का हिंदू नहीं सोच पाएंगे जब आपके बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। तो हम लोग भी परिसंघ की तरफ से कल जंतर मंतर पर अर्थात 18 दिसंबर को 11:30 बजे हम लोग भी प्रदर्शन करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के ऊपर हमला हुआ है और अगर हम लोग नहीं निकलते तो लानत है हमें अम्बेडकरवादी कहने का, बाबा साहब का जो संघर्ष है उसका जो फ्रूट हम लोग ले रहे हैं या फल जो हम लोग खा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हमारे लिए क्या शर्मिंदगी की बात हो सकती है। तो कल 18 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर उदित राज एक प्रोटेस्ट भी कॉल कर रहे हैं, परिसंघ की तरफ से उन्होंने कॉल दिया है जो SC ST ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं और संविधान बचाने के लिए। ये परिसंघ की तरफ है, प्रवक्ता की हैसियत से मैंने नहीं दिया है, परिसंघ जो सामाजिक है जिसमें सभी लोग आएंगे, इंटेलेक्चुअल आएंगे, SC ST के लोग आएंगे, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के लोग आएंगे जो कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आने में उन्हें हिचक होती है, तो ऐसे लोगों के बीच में भी तो हम लोगों को जाना पड़ेगा। तो देखिये डॉक्टर उदित राज जो सामाजिक आंदोलन है उसको पार्टी जहाँ भी रहे हो बियॉन्ड द पार्टी लाइन उसको चलाते रहते हैं, और कल जामिया के मुद्दे पर और CAB और CA के खिलाफ NRC के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट कॉल दिया है परिसंघ की तरफ से, जो कि 18 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। चंद्रशेखर आजाद रावण भीम आर्मी प्रमुख ने एक बड़ा ऐलान किया है NRC और CA को लेकर। 20 दिसंबर से दिल्ली के जामा मस्जिद से उन्होंने एक प्रोटेस्ट कॉल किया है और हाथ में संविधान और बाबा साहेब की तस्वीर लेकर वो संसद भवन पर मार्च करेंगे और उसके बाद अनिश्चितकालीन धरने पर जाएंगे। सर ये इस फैसले का क्या लग रहा है, जिस तरह से पुलिस लाठियां चला रही है, आपने ये फैसला लिया, आपने कहा मैं अकेले आऊंगा? जी इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो चाहती है कि हम लोग घर से बाहर निकले और उनको हमें मारने का रास्ता उनका आसान हो, वो तो चाहती है किस तरह से हम लोग को यहाँ से निकाला जाए, उसी के लिए तो ये बिल लाए जा रहे हैं, एक्ट बनाए जा रहे हैं। ये नहीं चलेगा, ये मुल्क हम सब लोगों का है, कोई यहाँ डरे ना, NRC से कोई ना डरे, किसी को यहाँ जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। जो ये करना चाह रहे हैं ना, सावरकर के आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना, पहले उसने एक बार पहले वो देश को तुड़वा चुके हैं, बंटवारा कर चुके, अब दोबारा नहीं होगा। कौन किसकी कॉन्स्पिरेसी लग रही है देश तुड़वाने की और कौन संविधान आपने कहा कि मनुस्मृति लाना चाहते हैं? देखिए ये संघ का एजेंडा है और ये सरकार उसे फॉलो कर रही है, क्योंकि ये संघ की गुलामों की सरकार है और वो चाहती है कि इस मुल्क में ये बंटवारा चलता रहे, लोग जाति धर्म के नाम पे लड़ते रहे। पहले तो इस मुल्क को जो अधिकार चाहिए, जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको सुविधा चाहिए, वो तो दे नहीं रहे, बस हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटना, अपनी पॉलिसी में कामयाब हो रहे हैं, इसलिए हम लोग रोड पे हैं। आपको लगातार जेल में डाल दे रही है पुलिस, अभी यूपी की सरकार ने रिकमेंड किया है कोर्ट को कि उनकी जमानत रद्द कर दी जाए, उनको फिर से जेल में डाला जाए, आपको डर नहीं लग रहा है? मैं यहाँ खड़ा हूँ, 17 तारीख है, मैं नहीं डरता, मैं डरता हूँ तो बाबा साहब संविधान से और जो काम जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, जो उम्मीदें मुझसे लोगों को है, उन पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं चुप हो जाऊंगा डर से तो इस देश में अपने हमारे लोगों का क्या होगा, ये मैं सोचता हूं। तो आपके करोड़ों समर्थक है इस देश में, देश भर के तमाम हिस्सों में, क्या आपके समर्थक भी जामा मस्जिद जुटेंगे देश भर से? देखिए इस आंदोलन को चाहिए कि वो पूरे देश में इसे फैलाएं, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ वहीं खत्म नहीं होने वाला, सरकार इसे वापस नहीं लेगी तो ये आगे बढ़ेगा। और मैंने कहा जैसा कहा है कि उसके बाद भारत बंद की कॉल भी जा सकती है अगर सरकार नहीं जागती तो, और उसके अलावा जेल भरो आंदोलन भी बड़े पैमाने पर चल सकता है, मैं खुद जेल जाना स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरे आगे अगर देश टूटेगा तो मैं देश को टूटने नहीं। क्या लग रहा है चंद्रशेखर जी, क्या कॉन्स्पिरेसी है? SC ST OBC के लिहाज से बात करें, सरकार टेलीविजन अखबार कह रही है कि इससे मुस्लिम जो खासकर कट्टरपंथी हैं या जो बाहरी मुसलमान है उन पर अंकुश है, आप कह रहे हैं कि इससे SC ST OBC को नुकसान है? देखिए इससे समझदारी की बात तो समझ आई ना कि इससे SC ST को बड़ा नुकसान है, OBC को बड़ा नुकसान है, क्योंकि हिंदी समाज का बड़ा तबका गांव में रहता है, ग्रामेटिक मिस्टेक 100% होगी। फिर ये क्या कहेंगे कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं,
फिर ये कहेंगे कि आपका वोट का अधिकार छीन लेते हैं, SC ST को जो रिजर्वेशन मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही है, वो सब छीन लेते हैं। 5 साल के डिटेंशन कैंप में हमारे साथ क्या होगा ये हमें समझ आ रहा है। तो ये हमारे अधिकार छीन के जो बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से दिलाए थे, संघर्ष दिलाए थे, बलिदान दिलाए थे, ये उन्हें छीनना चाहती है, हम ये नहीं होने देंगे। तो जुमे की नमाज के बाद 20 दिसंबर को जामा मस्जिद से चंद्रशेखर आजाद रावण ने CAA और NRC के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जय भीम। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह, आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक। भीम आर्मी 20 दिसंबर से मैसिव प्रोटेस्ट करने जा रही है दिल्ली के जामा मस्जिद से। मेरे साथ OBC को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खासकर गुर्जर समाज से हैं। सर अपना परिचय दे दीजिए पूरा। मैं कुंवर देवेंद्र सिंह गुर्जर समाज से ताल्लुक रखता हूँ, पिछड़ा समाज से ताल्लुक रखता हूँ, हस्तनापुर बैसुमा रियासत से ताल्लुक रखता हूँ, और भाई की आइडियोलॉजी को देख के मैंने पूरा जीवन इस आदमी को समर्पित कर दिया है। क्योंकि OBC की और SC और माइनॉरिटीज की जो लड़ाई लड़ रहा है वो केवल पूरे भारत के अंदर एक चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, और पिछले 1-1.5 साल से हम भाई के साथ हैं। अपना पूरा राजनीतिक सामाजिक सब छोड़ के हम भाई के प्रति, क्योंकि इसमें दिखाई दे रहा है कि भाईचारे को कायम करने के लिए अगर पूरे भारत में कोई मूवमेंट चला रहा है वो ही इज ए सिंगल ओनली चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी। और एक शेर के माध्यम से, क्योंकि हलवा पूरी बहुत लोग खा रहे हैं, दलित भी खा रहे हैं, पिछड़े भी खा रहे हैं, सभी लोग मलाई खा रहे हैं सत्ता की, उनके लिए एक शेर के माध्यम से कहना चाहूंगा, मिले जो खुश रोटी आजाद रहकर है खौफ जिल्लत के हलवे से बेहतर। मिले जो खुश रोटी आजाद रहकर है खौफ जिल्लत के हलवे से बेहतर। तो जिल्लत का हलवा नहीं चाहिए हमें, सुख की रोटी चाहिए लेकिन सम्मान की चाहिए। तो मोदी जी मंदिर बना रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, खुश रहना चाहिए, आप लोग तो हिंदू हैं। नहीं नहीं, हिंदू से क्या मतलब है, हिंदू एक फिलॉसफी है, हिंदू घाटी की सब है, हिंदू कोई जाति थोड़ी है। हिंदू का अगर आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, हिंदू काफिर कहा जाता है। हमेशा तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये भारतवर्ष है। हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये भारतवर्ष है, यहाँ अनेकता में एकता है, इसलिए विभिन्न जातियों का समूह एक भारतवर्ष कहलाता है। जो भरत वंशज, हम भरत वंशी हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम विशाल। क्या लग रहा है विशाल, मतलब आप लोग इस बिल से सहमत है कि नहीं? कानून से इस बिल से अभी तक हम सहमत नहीं है, क्योंकि हर आदमी का एक अपना सोच का तरीका होता है, और ये पॉलिटिक्स जो आज की डेट में एक बिजनेस बन चुकी है, और अपना बिजनेस चलाने के लिए ये किसी की भी बलि दे दें वो सही नहीं है। जिस चीज़ को, जिस बिल को ये जनरेट करना चाह रहे हैं, जिस बिल को ये लाना चाह रहे हैं, उस बिल की कमी और उसकी खामी पर पहले तो गौर फरमाएं। और मेरा मानना ये है कि ये देश हर आदमी का है, हर आदमी का। देखिए, तो आप लोग OBC मतलब मुसलमानों को मारने के पक्ष में नहीं है? नहीं नहीं, हम भाईचारा कायम करने के लिए पक्ष में, उस काम पक्षधर हैं, और चंद्रशेखर भाई जो मूवमेंट लेकर चल रहे हैं भाईचारा कायम करने के लिए, हम उसके बिल्कुल पक्षधर हैं, और ये बिल्कुल खंडित नहीं होने देंगे। देखिए, गुर्जर समाज से OBC के रिप्रेजेंटेटिव थे, और खास तौर से अभी आपको बता रहा हूँ, वन गुजरों की हम मूवमेंट चला रहे हैं। आज तक वन गुजरों को, जो कि आप औरंगजेब देखा होगा कश्मीर के अंदर, औरंगजेब एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसको राष्ट्रपति ने, मुस्लिम गुजर है, वन गुजर है, उसको आज तक यहाँ नागरिकता देने के लिए। और मेरे साथी हैं वाल्मीकि समाज से, हिमांशु, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि वाल्मीकि समाज कैसे सोच रहा है, क्योंकि वो बड़ा ताकतवर तबका है। हिमांशु वाल्मीकि है मेरे साथ। हिमांशु, आप लोग भी मुस्लिम को मारकर खुश नहीं है, क्या रिएक्शन रहेगा वाल्मीकि समाज का? हम लोग जो है बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। वो कुछ लोगों ने जो है, कुछ अराजक तत्वों ने ऐसे काम कर दिए, वरना नहीं, कभी नहीं, ऐसे इस तरीके की कोई घटना ऐसी नहीं हुई होगी। मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, तो लगातार मैं जैसे वॉच आउट कर रहा हूँ, मैं पूछता भी लोगों से कि कभी डायरेक्ट कभी लड़ाई भी नहीं हुई वाल्मीकि के मुसलमान की। ये जो NRC है, CAA नहीं चाहिए। अब रुकिए ना मैम, CAA का विरोध क्यों, वाल्मीकि समाज का क्या स्टेप रहेगा? वाल्मीकि समाज का ये स्टेप रहेगा, मुसलमान भाइयों के साथ रहेंगे हम लोग इस प्रोटेस्ट में जो है, हम लोग पूरी जील जान से, और सबसे पहले आगे ऐसे करके खुद खड़े होंगे। देखा आपने चंद्रशेखर भाई उस दिन सबसे ऊपर बैठे हुए थे कि अगर गोली लगे तो उनके लगे पहले, ठीक है। और सबसे पहला देखा जाए, स्टेटमेंट भी जो है भीम आर्मी के द्वारा ही उठाई गई थी, और दलित समाज के द्वारा ही उठाई गई। तो देखिए, भीम आर्मी ने पूरा, और मैं अनुरोध करता हूँ अपने जितने भी युवा हैं जो किसी भी संगठन में, वो इस बिल का समर्थन ना करें। आप यकीन मानिए कि दूसरा नंबर आपका है, इसके बाद अगर कुछ होएगा तो आपके भी बहुत बड़ी तादाद में जो है बहुत सारे लोग जाएंगे। अगर जो काम करने का ही है तो वो किया जाए, क्यों ना हम लोगों को जो है रेप के ऊपर बिल लाया जाए, क्यों? मगर उसके ऊपर बिल नहीं लाया जाएगा, क्योंकि मान्य जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिसकी सरकार है, उनके सबसे ज्यादा मंत्री पर, सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक ये वाल्मीकि समुदाय है, और SC ST OBC के लोग भीम आर्मी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 20 दिसंबर को चंद्रशेखर आजाद प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा, आप तो OBC हैं जी, OBC तो कम से कम खुश है राम मंदिर से, और 377 हट गया,
और अब मुसलमानों को पिटाई हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये माहौल बनाया जा रहा है। हमारा जो असली डिमांड है, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें। हमारे लिए फ्री में टॉयलेट तो दिए जा रहे हैं कि जी हमने फ्री में इतने सारे टॉयलेट बना दिए। अरे टॉयलेट से पहले आप शिक्षा को सस्ता करें ना। शिक्षा पे तो आप दिन प्रतिदिन प्राइवेट निजीकरण कर रहे हैं, शिक्षा पे आप रेट बढ़ा रहे हैं। सब जो बच्चे आदिवासी समाज से आ रहे हैं, पिछड़ों से आ रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधाएं कीजिए, उनको सुविधा दीजिए। यहाँ सुविधा देने के बजाय एक अलग टारगेट लेके चले हिंदू, जो कि पहले राम मंदिर के नाम पर ही राजनीति कर रहे थे, अब वो चैप्टर खत्म हो गया था, नया एक उन्होंने चैप्टर आ दिया। कल को सिखों के लिए ला दोगे, कल को बौद्धों के लिए लाओ, कल को क्रिश्चियन के लिए ला दोगे, इस तरह देश का क्या कहा। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ना बीजेपी आरएसएस का तो प्लान, ये तोड़ना चाहते हैं, ये देश में ऐसी आग लगाना चाहते हैं कि जिससे कि इनको मुद्दा बना रहे और देश में ऐसे ही आग लगी रहे, जिससे कि कोई शिक्षा और रोजगार के बारे में बात न करे, इसलिए इस तरह की हरकतें किए जा रहे हैं। चलिए, तो एससी एसटी ओबीसी के लोग जो है वो समझदारी दिखा रहे हैं, और भीमाजी ने एक प्रोटेस्ट कॉल किया है 20 दिसंबर को दिल्ली के जामा मस्जिद से वो विरोध प्रदर्शन का ऐलान करेंगे। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। कि आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।